हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं अभी नहा धो के बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ, पूजा पाठ भी कर लिया। देखिए, दिखाती हूँ, ये हमारे भगवान जी, अभी धूप जल ही रहा है, अभी जस्ट पूजा पाठ कंप्लीट किया है मैंने, और अब जाएंगे ब्रेकफास्ट बनाने। आज ब्रेकफास्ट में पता क्या है? सबसे ईजी चना मूंग का सैलड। तो उसके लिए देखिए, मैंने रात को ही चना मूंग यहाँ पे देखिए फुला दिया था। अब बस इसमें टमाटर प्याज, मुझे पता नहीं खीरा है कि नहीं है, टमाटर प्याज नींबू चाट मसाला और मिर्च डाल के बना लेना है ब्रेकफास्ट, फटाफट वाला ब्रेकफास्ट, इजी। इधर से लाइट आ रहा बहुत तेज। ओ, किसी ने लाइट जला रखा। ओके, मैं फिर सैलेड अपना बना के, सैलेड नहीं ब्रेकफास्ट अपना बना के फिर मिलती हूँ, दिखाती हूँ कैसा लग रहा है देखने में। ये चना और मूंग दोनों को धो लिया मैंने, दोनों एक साथ ही फुला दिया था मैंने। अगर इसको आप रात भर रख दो ना, मतलब आज किसी कपड़ा माम बांध के या फिर ऐसे ही छोड़ दोगे तो इसमें से कल अंकुरित हो जाएगा। मतलब जो इसमें से पतला पतला क्या बोलते हैं उसको, अंकुरित ही बोलते हैं और उसको क्या बोलेंगे पता नहीं। यहाँ मैंने काट लिया अपना प्याज टमाटर खीरा मिर्च और ये रहा नींबू। तो मैं ये सब तो मिला के इसमें पूरे में डाल दूंगी, लेकिन नींबू और चाट मसाला नहीं डालूंगी, क्योंकि वो जब जिसको खाना होगा उसके अकॉर्डिंग वो अपना डाल लेगा, नहीं तो ये पानी छोड़ देगा। और ये रहा मेरा पानी गर्म हो चुका है पीने वाला। तो मैं बना लेती हूँ अपना हाई प्रोटीन क्या सैलेड। जब हम लोग घर पे रहते थे ना अपने, छोटे थे हम लोग 10th 11th क्लास तक, जब मैं बाहर हॉस्टल में नहीं रहती थी, तो उसके पहले मेरे घर हमेशा मतलब एनी टाइम चना मूंग फुलाया हुआ ही रहता था। एक उधर से कोई मम्मी ऐसे होते, कोई भी उधर से आता है, अगर किसी को भूख लगा होता है एक मुट्ठी उठा के खा ले। वैसे हम लोग क्या नहीं है, जनरली बिहार में लोग के घर रहता ही रहता है कि लोग आएगा उधर से, जिसको ज्यादा भूख लग रहा है तो एक मुट्ठी सुबह ले लेगा, मतलब एक मुट्ठी मतलब एक हैंडफुल ले लेगा और खा लेगा, उसका ब्रेकफास्ट भी हो जाएगा और पेट भी भर जाएगा। और इसको खाने के बाद जल्दी भूख नहीं लगता है, अगर थोड़ा सा भी एक मुट्ठी खा लो तो जल्दी भूख नहीं लगता है। और आज कल ये हाई प्रोटीन सैलेड हो चुका है, अपग्रेड हो चुका है। अब लोग इसको बाय मतलब शौक से खाता है कि हाँ खाना है। हम लोग क्या लोग ऐसे शौक से नहीं खाता था, ऐसे ही खा लेता था। ठीक है, देखिए मैंने सब कुछ डाल दिया, इधर डाल दिया है, इसको इग्नोर करें, ये कचरा है। और ये अब जाएगा इसमें और फिर इसको मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी, क्योंकि मैं इसको डालूंगी तो गिर जाएगा। माय हाई प्रोटीन सैलेड इज रेडी। देखिए कैसा लग रहा है, सुंदर लग रहा है ना, इतना सारा कलर लगता है ना, वैसे खाने में जो और सुंदर लगता है। अरे यार, मैं चम्मच लेना तो भूल ही गई, तो चम्मच ले लूँ मैं, फिर अभी जाऊँगी इसको खाने। मेरा ऑफिस स्टार्ट होने में 1 घंटा है, तो मैं सोच रही हूँ कि खाना भी बना ही दिया जाए, मतलब बना ही नहीं दिया जाए, जो खाने क्या बनाना है उसका प्रिपरेशन करके रख दिया जाए, जैसे दाल बना दिया जाए, सब्जी देखा जाएगा क्या बनाना है ना, फटाफट हो भी जाएगा और लंच टाइम में मैं आराम करूंगी। क्या बोलते हो, क्या बोलती पब्लिक, बोलती कुछ नहीं, मैं जा रही हूँ बनाने। तो मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में अपना, क्या अपना नहीं मतलब दाल वाल चढ़ा के और सब्जी भी काट लूंगी मैं, समय का भरपूर उपयोग किया जाएगा। मिलती हूँ मैं आपको थोड़ी देर में। देखिए, शाम का पूजा हो चुका है डन और मेरा काम चल रहा है अभी भी, और मुझे आज 1 घंटे का ही फुर्सत नहीं मिला कि मैं कुछ करूं। मैं सुबह से ही काम कर रही हूं, बिल्कुल नया प्रोजेक्ट है ना ये वाला, तो बहुत काम रहता है इसमें, नया नया जब रहता है तो पता नहीं कब फ्री होंगी मैं, थक चुकी हूं मैं, ऐसा फील ही नहीं हो रहा है कि आज फ्राइडे है। जनरली फ्राइडे कम काम होता है, लेकिन यहाँ पे तो ज़्यादा काम है।
दो मिनट के लिए मैं सोच रही सांस ले लूँ, और घर पे कोई था भी नहीं तो खाना बनाना भी नहीं था। मैंने सोचा छोड़ो काम ही कर लेते हैं तो रात को जल्दी फ्री हो जाएंगे। तो भी मुझे लगता नहीं कि मैं 8-9 बजे से पहले फ्री हो पाऊँगी। काम कर लेती हूँ ना, थोड़ा आराम करके फिर मैं काम करती हूँ। मिलती हूँ थोड़ी देर में काम करने के बाद। फ्राइडे बिल्कुल आज फ्राइडे जैसा नहीं था, बहुत ही ज़्यादा हैक्टिक था। और देखिए अभी ऑलमोस्ट 9 बजने जा रहा है और अब जाके मेरा काम कंप्लीट हुआ है। तो मैं अब लैपटॉप को कर रही हूँ अपने बंद। ये आज का काम यही समाप्त। बस परेशान हो गई मैं आज, असल में यहाँ सांस लेने का भी टाइम नहीं था। कोई बात नहीं, कल सैटरडे है, इस बात की खुशी है कि कल सैटरडे है। लेकिन कल सैटरडे, कल का ही मेरा प्लान, मुझे कुछ काम 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 करना है घर का। बट कोई बात नहीं, ऑफिस का तो नहीं करना, तो आई विल रिलैक्स टुमारो एंड डे आफ्टर टुमारो। बट संडे मेरे को अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि मंडे तो आने वाला है, तो सैटरडे मेरा फेवरेट है। आपका कौन सा फेवरेट है, सैटरडे संडे? चलिए मैं जा रही हूँ, थोड़ा अपना आराम करती हूँ। अभी तक तो घर पे कोई आया ही नहीं है, तो मैं टीवी देख लूँगी। अभी लोग आएंगे तो बताएंगे क्या खाना है, फिर मैं उसके अकॉर्डिंग खाना बनेगा, तो फिर मैं आपको दिखाऊँगी अगर बनेगा तो। नहीं तो मैं जा रही हूँ अपना टीवी देखने। मिलती हूँ मैं आपको थोड़ी देर में। तो प्लान में हो गया है वापस से तब्दीली। अभी मैं मूवी देख रही थी, तब तक मेरे पतिदेव का कॉल आया कि वो आ रहा है। तो आ रहा है तो उसके लिए कुछ तो खाना बनाया जाए, और निहाल के लिए, दो आदमी के लिए। मुझे लगा पहले वो नहीं खाएगा क्योंकि 10 बजने वाला, अभी तक तो कोई बताया ही नहीं था कि खाना खाना है कि नहीं खाना। अगर खाना बना देती हूँ तो लोग नहीं खाता है, तो जब तक लोग मुझे बोलता नहीं ना, मैं खाना बनाती नहीं हूँ क्योंकि मुझे खाना वेस्ट करना पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक। बट एक चीज़ अच्छा हुआ था, मैंने सुबह दाल जो बनाया था ना वो काम आ जाएगा। तो अभी मैं जा रही हूँ क्या बनाने के लिए, दाल, चावल, दाल तो बन चुका है ऑलरेडी, भुजिया, और ऑन स्पेशल डिमांड आज बनेगा पकौड़ा। तो मैंने सुबह सोचा था कि मैं सिर्फ चावल दाल पकौड़ा बनाऊंगी अगर दोपहर में कोई आता तो, लेकिन घर पे दोपहर में तो कोई आया नहीं, मैं ही थी। तो मैंने तो अपना फ्रूट खाया था और रायता खाया था और सैलेड खाया था। तो फिर मैंने तो, लेकिन मैंने क्या किया था ना सुबह ही, जब मेरे पास 1 घंटा टाइम था तो मैंने लिखी स्मार्ट काम, स्प्रिंग ऑनियन इसको इंग्लिश से बोलते हैं, और हम लोग क्या बोलते हैं, हरा प्याज काट के रख लिया था। अब इसका बनेगा पकौड़ा। इसके अंदर मैं सोच रही हूँ ना आलू भी डाल दूँ, थोड़ा छोटा छोटा काट के, अच्छा लगता है। और मुझे दाल छौंकना है, दाल छौंकूंगी और बनाऊंगी आलू का भुजिया, जिसके लिए मैंने आलू निकाल लिया ऑलरेडी, दे दिखे। लेकिन भुजिया काटना अभी, तो भुजिया काट लेती हूँ मैं, दाल छौंक लेती हूँ, और मैं सोच रही हूँ कि रायता ही बना दिया जाए, व्हाट से, खीरा टमाटर और बूंदी है मेरे पास, उसका रायता बनाया जाएगा। यस, नाइस आइडिया। हाँ, मेरा पति खुश हो जाएगा, और निहाल ने भी नहीं खाया सुबह से, कुणाल और निहाल दोनों ही नहीं खाया खाना। अभी आएगा तो दोनों आदमी खाएगा, पता नहीं कब आएगा, तब तक मैं सोच रही जब तक आता है तब तक मैं खाना तो अपना कंप्लीट कर लूं। तो जा रही हूँ आलू का भुजिया काटने के लिए, सब काट वाट लेती हूँ, सब बना लेती हूँ, फिर मिलती हूँ मैं थोड़ी देर में, क्योंकि अभी ये बहुत लंबा प्रोसेस है। पहले कभी बताता है सब, एंड पे बताता है सब, पता है कि मुझे अभी खाना है। कोई बात नहीं इसलिए क्योंकि कल सैटरडे है, तो आज अगर लेट भी सोएंगे तो चलेगा, क्योंकि सुबह मतलब उठ जाएंगे वैसे तो, लेकिन फिर भी ऐसा होता ना कि जल्दी नहीं उठे तो भी चलेगा, तो आई एम हैप्पी।
तो मिलती हूँ मैं अपना, पहले ये सारा काट कूट के फिर मैं दिखाती हूँ। देखिए मैं काट रही हूँ इधर, अभी प्रोसेस। ओह शिट, मेरा कैमरा गिर गया। देखिए यहाँ चल रहा है आलू का कटाई, और उसके बाद भुजिया बनेगा, उसके दाल तो बन चुका है, और उसके बाद बनेगा चावल एंड पकौड़ा। जो वो लोग आएगा तब पकौड़े में मैं दिखाऊंगी मैं क्या क्या डालती हूँ, ठीक है। मैं मिलती हूँ सारा काम करके, थोड़ा जो बाकी वाला काम है वो करके। भुजिया मैंने बनाने के लिए रख दिया है, चावल मेरा बन रहा है, और हियर इसमें दाल इज रेडी। और क्या क्या रेडी हो गया इतने दिनों में दिखाती हूँ मैं। ये इसमें जाएगा भी दही, और है प्याज टमाटर खीरा, दैट्स इट, और चाट मसाला, और एक और चीज जाएगा वो है रायता, बूंदी का रायता। इसको आप बिना प्याज टमाटर के भी बना सकते हैं, लेकिन अच्छा लगता है प्याज टमाटर डाल दो तो, इसलिए उसका बना है। और अब मैं जा रही हूँ अपने पकौड़े का प्रिपरेशन करने, इसमें क्या क्या डालना है। इसमें डालना है सबसे पहले तो हल्दी, ये अंदाजे से डालें, मेरे को ऐसे बताना नहीं आता कि कितना जाना चाहिए, क्योंकि मैं अंदाजे से खाना बनाती हूँ। और मिर्च, लाल मिर्च, वैसे मैंने इसमें हरा मिर्च काट के डाला हुआ है, और उसमें मैंने स्प्रिंग ऑनियन के साथ साथ आलू भी डाला है, और स्प्रिंग अनियन के साथ साथ मैंने क्या डाला है, आलू और मिर्च। वैसे मैंने लाल मिर्च डाला हुआ है तो इससे अच्छा कलर भी आता है और तीखा भी रहता है। और है ये गरम मसाला हल्का सा, और जाएगा इसमें धनिया पाउडर, वो भी थोड़ा सा स्वाद के अनुसार हम डालें। और एट द एंड लहसुन अदरक का पेस्ट, ये भी अंदाजे से। और सबसे मेन इंग्रेडिएंट तो मैं भूलने वाली थी, नमक, ये भी अंदाजे से डालें। मैं नमक इसलिए भी डालूँ क्योंकि अब तो कुनाल लोग आने वाला है ना, नहीं तो अगर इसमें नमक पहले डाल देते तो मैं पानी छोड़ देता है, और मेरा भुजिया हो ही चुका है तो उसमें भी सोची मैं नमक वगैरह डाल ही देती हूँ साथ साथ। दैट्स इट, अब इसको बस अच्छे से मिला लेंगे, और हाथ से मिलाएंगे, ये नहीं चम्मच से मिलाएं, क्योंकि जब तक हाथ से नहीं मिलाता ना स्वाद नहीं आता, ऐसा मुझे लगता है कि जब तक खाना हाथ से ना खाओ या खाना मतलब टच ना हो ना हाथ से, तब तक मजा नहीं आता, फील नहीं आता। आजकल तो हम लोग हाथ से खाना छोड़ दिए इंडियंस, और जो फॉरेनर है वो हाथ से खा रहे हैं, और जहाँ जो लोग हाथ से खाते थे वो लोग हाथ से खाना छोड़ दिए। मैं नहीं छोड़ी, मैं मुझे हाथ से खाना ही पसंद है। बस मेरा भुजिया बन चुका है, वैसे बस हल्दी पक जाएगा उसके बाद मैं उतार दूंगी, क्योंकि भुजिया पूरा रेड हो चुका है। आप भुजिया में चाहे तो लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, बट मैं नहीं डालूंगी क्योंकि मैंने हरा मिर्च ऑलरेडी डाल रखा है। वैसे लोग कलर के लिए लाल मिर्च डालते हैं इसमें, तो डाल दूंगा, थोड़ा सा डाल दूँ, छोड़ी नहीं डालू, ऐसे ही इसको लाल किया जाएगा। मैं यहाँ से मिला लेती हूँ, पहले मुझे पानी लाना होगा, फिर मैं जब मैं छानूंगी तब मैं दिखाऊंगी। सारा इंग्रेडिएंट मैंने बता ही दिया, मैं थोड़ी देर में मैं इम्पोर्टेंट चीज तो डालना भूल ही गई इसमें, सबसे इम्पोर्टेंट बेसन और चावल का आटा, मतलब बताना भूल गई, मुझे याद था अभी डाला है मैंने, तब मुझे याद आई कि मैंने बताया ही नहीं। अभी मैं मिला लेती, चावल का आटा और बेसन दोनों डालना है बाइंडिंग के लिए, उसको अच्छे से मिलाना है।
कि वो पानी खुद छोड़ दे। मैं मिलाने के और अच्छे से मिला लूँ उसको क्योंकि मैंने चिमनी चला रखा है तो उससे आवाज बहुत आ रही होगी ना, थोड़ा बाद में बात। ऑलमोस्ट खाना मेरा बन चुका है, सिर्फ पकौड़ा बाकी है। ऑलमोस्ट क्या, सब कुछ बन चुका है। देखिए भुजिया इतना सुंदर लग रहा है ना, इसे मैंने लाल मिर्च नहीं डाला है, ऐसे ही डाला हुआ है। और ये है रायता, अभी इसके अंदर बूंदी जाना बाकी है, ये जब लोग खाएगा ना उसी टाइम पे डालेंगे, वरना बूंदी सौगी हो जाता है, मतलब मेहरा आ जाता है, थोड़ा फूल जाता है, क्रंची नहीं लगता है इसलिए। और ये दाल तो मैंने पहले दिखा दिया, चावल का सीटी अभी खुला नहीं है। और ये रहा मेरा पकौड़े का बैटर, कढ़ाई में तेल गर्म हो चुका है, अब मैं बनाऊंगी पकौड़ा बनाऊंगी। कुणाल का क्योंकि कॉल आया था अभी कि मैं आ रहा हूँ 5 मिनट में, तो मैंने सोचा आया रहेगा, तब तक पकौड़ा बनने में भी तो 5-10 मिनट लग गया ना, तब तो मेरा पकौड़ा रेडी हो जाएगा और खाना तो रेडी हो ही चुका है। तो पकौड़ा बना के फिर मैं दिखाती हूँ कैसा कड़ा कड़ा सा पकौड़ा निकालूंगी मैं पकौड़ा छान लूँ, फिर मिलती हूँ थोड़ी देर में। ये देखिए मेरा फर्स्ट स्लॉट ऑफ पकौड़ी रेडी, और ये दूसरा स्लॉट है, और इतना ही बनेगा क्योंकि इतना इनफ है। और जो ये बचा हुआ है इसका कल बनेगा, या मैं इसका कल चीला बना दूंगी या पकौड़ा बना दूंगी वापस से, अगर किसी को खाना होगा तो खाए। बहुत टेस्टी लग रहा है, खुशबू बहुत अच्छा रहा है। ये वीडियो में तो नहीं जा सकता बट मैं बता दूँ खुशबू बहुत अच्छा रहा है, और मैंने एक टेस्ट भी किया था, टेस्ट भी बहुत अच्छा। और ये थाली तैयार, दाल भुजिया रायता, बस अभी इसको लेके जाना है, कुणाल को दे दूंगी खाने के लिए। देखने में कितना अच्छा लग रहा है ना, खाने में भी अच्छा होगा, 100% श्योर हूँ इस बात से। लेके जाती हूँ इसको, कुणाल को देती हूँ, मिलती हूँ मैं थोड़ी देर में। तो खाना पीना हो चुका है हमारा, और अब 12:05 हो रहा है, तो अब जाएंगे हम सोने। तो आज का ब्लॉग करते हैं हम यहीं एंड, मिलते हैं कल आपको नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।